म्यूजिक सुनो ना, इस छोटी सी दुनिया में हो जाए कहीं गुम, जहां हो सिर्फ एक चॉकलेट और हम तुम। हैप्पी चॉकलेट। हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग का। और दोस्तों जो सॉन्ग है बहुत ही धमाल का होने वाला है। और दोस्तों आज के इस टॉपिक पर बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो डीजे स्टेटस वीडियो होने वाला है तो दोस्तों चॉकलेट डे के ऊपर होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग पता ही होगा कि 9 फरवरी को जो है कि चॉकलेट डे मनाया जाता है। तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है चॉकलेट डे का डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का चॉकलेट डे डीजे स्टेटस वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग कमेंट्स में मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों अपने जो भी प्रीव्यू में स्टेटस को देखा है तो दोस्तों ऐसा स्टेटस को क्रिएट करना बहुत ही इजी एंड आसान होता है। तो दोस्तों ऐसा स्टेटस को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली, जिसका नाम है अलाइट मोशन। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा से इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाए, जो कि दोस्तों मैंने क्रिएट करके दे दिया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना हो, आपको वीडियो को कंटिन्यू ध्यान से देखते रहने, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीका से आपको स्टेटस को क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक बार फिर से डायरेक्टली बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना। इसके बाद दोस्तों को सेलेक्ट लेयर पर क्लिक करके फिर से वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी आर्ट लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों को बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों को सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों को इस तरीके से इंस्टॉल डाउन करके आगे को आ जाना। जैसे कि दोस्तों मैं आ रहा हूं, तो दोस्तों आपको इस तरीके से यहां पर आ जाना है 13.00 पर। तो दोस्तों आपको इस तरीके से आना है। इसके बाद दोस्तों को उन सभी लेयर को पेस्ट करना है। तो दोस्तों पेस्ट करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों को पेस्ट 8 लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपने अपने बीट के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, हमारा सभी लेयर अपने अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो का ऐसे ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इमेज लेयर पर क्लिक करना। कलरफिल पर क्लिक करके स्टार का ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगी। इसके बाद दोस्तों को यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। आप जिस भी फोल्डर में फोटो को रखे होंगे तो दोस्तों आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपकी सारी फोटो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों को कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी फेक के साथ। इसी तरीके से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफिल पर क्लिक करके स्टार का ऑप्शन क्लिक करके फिर से कोई भी आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना। नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफिल पर क्लिक करके स्टार का ऑप्शन क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफिल पर क्लिक करके स्टार का ऑप्शन क्लिक करके फिर से कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी फेक के साथ। इसी तरीके से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफिल पर क्लिक करके स्टार का ऑप्शन क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफिल पर क्लिक करके स्टार का ऑप्शन क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफिल पर क्लिक करके स्टार का ऑप्शन क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको लास्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफिल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी सारी लेयर पर फोटो ऐड हो जाएगी फेक के साथ। इसी तरीके से आपको ऐड कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका जो डीजे स्टेटस वीडियो बन के रहिएगा इजीली। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि आपको टेक्स्ट लिरिक्स दिखाई दे रहा हो जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको शो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस ग्रुप 1 पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस ब्लेंडिंग पे आना। ब्लेंडिंग पे आने के बाद दोस्तों आपको नॉर्मल पर क्लिक कर देना। नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों आपको इसको 100 कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सारा चीज़ शो हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारा चीज़ शो हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको ग्रुप 1 पर क्लिक करना है। इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना, अनग्रुप पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा मटेरियल इजीली शो हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने फॉन्ट को ऐड करा था, तो दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप जिस भी फॉन्ट को रखना चाहते हैं दोस्तों आप इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट को ऐड करना है। तो दोस्तों टेम्पलेट को ऐड करने के लिए आपको फिर से इस तरीके से फर्स्ट में आना। फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों आपको इस बॉक्स के नीचे क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड
करके उस टेम्पलेट वीडियो क्लिप को रखे होंगे, तो दोस्तों आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको उस टेम्पलेट वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों को इस तरीके से इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों को फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। इस वाले आइकन पर क्लिक करके इस तरीके से इसको जूम आउट यानी बढ़ा लेना है। इस तरीके से अपने हिसाब से जूम बढ़ा लेना है। इसके बाद दोस्तों को इस तरीके से इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पर आना है, लाइटिंग पर आना है, स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों ये ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों को क्या करना होगा, इस तरीके से फिर से आपको इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, हे शिफ्ट को क्लिक कर लेना है, एक की लगा लेना है इस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से लास्ट में आ जाना है 29.8 पे, फिर से आपको 29.8 पे आना है और लास्ट बीट पर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इसको स्टॉल डाउन करके बढ़ा देना, आप जितना भी बढ़ा देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस तरीके से बढ़ा दोगे तो दोस्तों आपका जो टेम्पलेट का कल वीडियो का कलर है तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, तो दोस्तों आपको इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से बचे हुए भाग को कट कर देना, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका जो डीजे स्टेटस वीडियो बन के रेडी हो जाएगा इजीली। इसके बाद दोस्तों को इस डीजे स्टेटस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों आपको वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी के डीजे स्टेटस वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।